एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे कैसे क्रिएट किया है और मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं। मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और उसी से मैंने अपना मेकअप कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आपका मेकअप कंप्लीट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। मैंने सारे प्रोडक्ट्स मेबलिन के यूज किए हैं, आप चाहे तो किसी और ब्रांड को भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स यूज करके अपना मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हैं और आपने अपने मेकअप को फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरह से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। अपने फेस पे लगाया है मॉइस्चराइजर। आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजर मेकअप करने से पहले जरूर लगा लिया कीजिए। उसके बाद मैंने लगाया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल फॉर प्राइमर और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ अपना मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। इसको थोड़ा सा शेक करने के बाद मैं बहुत थोड़ा ले रही हूं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब इसको डॉट डॉट करके आप सब जगह इंक्लूडिंग योर आईलिड्स, योर नेक, और अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूं मैं। आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं। मैंने सब जगह फाउंडेशन लगा लिया है, अब मैं करूंगी पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। ये मैट प्लस पोरलेस पाउडर है और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, ये देखिए। और इसमें मेरा शेड है 120 क्लासिक आइवरी। अब मैं इस पाउडर सेटिंग करूंगी। और अब मैं यूज कर रही हूँ काजल पेंसिल, वो मैं यूज कर रही हूँ। ये मेबलिन फिटमी का कॉलोसल काजल है, ये मैं इसे यूज कर रही हूँ। काजल को मैं अपनी अपर वॉटर लाइन पे भी लगाऊंगी। अब मैं यूज करूंगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये वॉशेबल है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं वॉशेबल मस्कारा ही ज्यादातर यूज करती हूँ क्योंकि वो बहुत आसानी से निकल जाता है, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। मैंने मस्कारा लगा लिया है और अब मैं लगाने वाली हूँ अपना लिप क्रेयॉन। और ये है मेबलिन का कलर शो इंटेंस लिप क्रेयॉन। इसमें मेरा शेड है M405 मिस्टिक मोव। आई होप कि आप देख पा रहे हो, मैं ये यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा लिप क्रेयॉन है। लगाने से पहले आपको लगेगा कि ये शाइनी है, बट ये शाइनी बिल्कुल भी नहीं है। ये बाद में मैट हो जाता है और काफी देर तक स्टे करता है। एंड यू कैन सी द कलर, कितना प्यारा कलर है। तो
आप देखिए, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ इनकम्प्लीट है, क्योंकि बिल्कुल इन 5 प्रोडक्ट से ही आप इतने अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। तो और मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ, आज मैं सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट से आपको मेकअप करके मैं दिखा रही हूँ। तो अभी मैं अपने बाल वगैरह थोड़े से हेयर्स वगैरह ठीक करके तब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए, मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और उसी से मैंने अपना ये मेकअप लुक मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही आपका मेकअप कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको आज आपके सामने मैंने ये दिखाया कि सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स यूज करके आप अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखिए, आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज नहीं हुई है या कुछ है। आईज हो, लिप्स हो या आपका फेस हो, पूरा आपका फ्लॉलेस लगेगा। आप कम से कम प्रोडक्ट में भी आप अपना मेकअप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज बेल बटन को हिट कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।